हम लोग का जो रूट मीन स्क्वायर है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपका हमने मीन वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना, मीन वैल्यू का स्क्वायर लेके, और मतलब स्क्वायर का एक्चुअली मीन निकाला है, जो भी आपका वैल्यू है उसके स्क्वायर का मीन निकाल के और उसका हमने रूट ले लिया है, जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मेरे को इस वेव फॉर्म का, इस ऊपर वाले वेव मतलब एसी वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसी चीज को हम लोग लिखे हुए हैं नीचे कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ये वी आरएमएस है, अगर देखो इसको मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, वी आरएमएस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी वेट, इसमें एक चीज टर्म, इसमें 1/2π भी होगा पीरियड, ठीक है ना, इसमें आप लोग मेंशन कर रहे हैं 1/2π जो पीरियड है वो छूट गया था, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस इक्वेशन में सपोज करा ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, अब मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को ना दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ से स्क्वायर अगर मैं कर दूँ, किसका माइक ऑन है, ठीक है, तो मैं अगर इसको दोनों तरफ से स्क्वायर में कर दूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा इधर, ये आ जाएगा वी आर एम एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2π 0 से लेके 2π तक, और देखो ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है, इतना लिख सकता हूँ ना। अब देखो क्या है, अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, तो ये क्या वी एम वी आर एम एस स्क्वायर हमने निकाला, तो ये हो जाएगा 1/2, अच्छा वी एम जो है आपका वो कॉन्स्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगा, तो वी एम स्क्वायर 2π हो जाएगा बाहर, ठीक है, और ये जो होगा वो कहाँ से 0 से लेके 2π तक, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा। अभी आपको याद होगा कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो मेरे को वैसे क्या नाम है, ट्वाइस फंक्शन वाले उसमें टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 cos 2θ/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 cos 2θ/2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है ना, इसको प्लग करूंगा अगर, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन 2π, ठीक है, 0 to 2π 1 cos 2ωt/2, ठीक है ना, डी ओमेगा टी, ठीक है, ये आ जाएगा, और इस किस चीज की वैल्यू है, वी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, इसमें देखो पूरा मैथमेटिक्स है, जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा होगा तो अपना देख लेना, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ये, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वेट इधर लिख लेता हूँ, वी आर एम एस स्क्वायर हमारा क्या है, हमारा है वी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, ये हमारा वी एम स्क्वायर अपॉन 2π, वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2π, ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से लेके 2π, और क्या है आया था हमारा इधर नोट कर लेते हैं, 1 cos 2ωt/2, 1 cos 2ωt/2, और ये क्या है डी ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ये 1/2 जो है ना, इसको 2 को बाहर ही ले लो, तो आ जाएगा आपका वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 0 से लेके 2π, ठीक है ना, अब ये 1 है 1 dω t, और ये हो जाएगा -0 से लेके 2π cos 2ωt/dω t, हो जाएगा ना, ठीक है, सर अब ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन 4π, ठीक है। अब देखो 1 का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे अगर ये यहाँ पे अगर मान लो ओमेगा टी है, ठीक है ना, तो ये ओमेगा टी वाला ही टर्म आएगा बेसिकली, ठीक है, तो ओमेगा टी कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, ये जो ओमेगा टी जो टर्म है ये कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 से लेके 2π तक, ठीक है, तो क्या करोगे अगर इसकी वैल्यू रखोगे
तो क्या आ जाएगा, टू पाई है, इसको कर लेंगे ठीक है। माइनस देखो अब कॉस टू ओमेगा टी, कॉस टू थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ठीक है ना, कॉस टू थीटा को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, साइन टू थीटा टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू, और इसका लिमिट कहां से, जीरो से लेके टू पाई तक ठीक है। अगेन जिनको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा पता नहीं कैसे समझ रहे होंगे, मेरे को नहीं पता है ठीक है, तो देख लेना ये आ जाएगा टू पाई माइनस जीरो ठीक है, आप इसमें लिमिट रख दोगे तो टू पाई माइनस जीरो, और ये देख के आ जाएगा वन बाई टू, और ये आ जाएगा साइन टू पाई माइनस साइन जीरो ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन फोर पाई, अभी जो 2 पाई माइनस जीरो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, और माइनस साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, और साइन जीरो की भी वैल्यू जीरो होती है, जीरो हो जाएगा टोटल, मतलब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर ऑफ, ये हो जाएगा 4 पाई इनटू 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है, यानी वी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी वी एम स्क्वायर बाई टू, तो वी आर एम एस की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, वी आर एम एस की वी एम बाई टू, इसको ना रट लो चाहे कुछ भी करो, ये तुमको जिंदगी भर के लिए याद होना चाहिए ठीक है ना, कि साइन वेव फॉर्म का आर एम एस वैल्यू कितना होता है ठीक है, एक कितना फाइव स्टार जो भी इसको बना लिखना चाहो, इतने स्टार लगाना चाहो इसको लगा लेना ठीक है, तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, वी एम अपॉन रूट टू होता है ठीक है। कैसे आता है मैंने बता दिया ठीक है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुमको ये सारा चीज समझ में आना चाहिए था पहले से ठीक है। तो ये हमारा वी आर एम एस निकल गया ठीक है, एसी वेव फॉर्म का हमने वी आर एम एस वैल्यू निकाल लिया ठीक है। अब एक चीज देखो, अब अगर एक चीज बताओ ध्यान से, ये तो हमने एसी का निकाल लिया, अगर हमको वी आर एम एस इसका निकालना है, किसका, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट था ऐसे वाला ठीक है ना, ऐसे वाला ठीक है, ये आपका ओमेगा टी है, जैसे आपका यहाँ की वैल्यू कितनी आई थी मैक्सिमम वी एम, ये था जीरो, ये था आपका पाई, टू पाई, ये था थ्री पाई, ये था फोर पाई, फाइव पाई, ऐसे करके आगे ऐसे होगा कुछ। अब मैं पूछूं कि इसका आरएमएस वैल्यू नहीं बताओ, आरएमएस वैल्यू ठीक है, तो इसका आरएमएस वैल्यू निकालोगे ना, वही तरीका है, कैसे निकलेगा इसका आरएमएस, आपको याद होगा वी आरएमएस, अगर मैं इसका वी आरएमएस निकालने के लिए तो इसका आउटपुट का मैं लिख दूं वी नॉट आरएमएस, अगर मैं लिख दूं इसका स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे स्क्वायर ना लिखो कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे हम लोगों ने उसके लिए लिखा था ना, क्या लिखा था, वन अपॉन टाइम पीरियड, वन अपॉन टाइम पीरियड का मतलब वन अपॉन टाइम टू पाई, टू पाई जीरो टू टू पाई, उसके बाद वीएम, वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग वी नॉट लिखेंगे सीधे, वी नॉट डी ओमेगा, वी नॉट स्क्वायर डी ओमेगा टी ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब यहाँ पे आप डिफाइन करोगे, क्या डिफाइन करोगे, देखो यहाँ पे आप डिफाइन, वेट क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या डिफाइन करोगे कि जो वी नॉट है ना, वी नॉट उसकी वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी है, किसकी, ओमेगा टी किस वैल्यू, जीरो से लेके पाई के बीच में, और इसका माइक ऑन है, ये सही लग रहा था, ठीक है। अब वी नॉट, V नॉट की वैल्यू जीरो है, V नॉट की वैल्यू जीरो कब है, देखो पाई से लेके टू पाई के बीच में, ध्यान से देखो इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पाई से लेके टू पाई के बीच में V नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, हम V नॉट A है हमारा ठीक है ना, V नॉट की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो किसके किसके बीच में है आपका, पाई से लेके टू पाई के बीच में, तो लिखेंगे ओमेगा टी की वैल्यू जब, सॉरी पाई से लेके, पाई से लेके टू पाई है उसके बीच में किस, इसकी वैल्यू कितनी आई है, जीरो आई है ठीक है, ये आपका पाई है ठीक है ना। अब इससे हमको V नॉट आर एम एस निकालना है ठीक है। अब देखो V नॉट आर एम एस अगर निकालना है तो देखो निकालते हैं इसका V नॉट आर एम एस, अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट इधर का हट जाएगा ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, तो इस ए हो जाएगा आपका वन अपॉन
टू पाई, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें, जीरो से लेके एक पाई तक हो कर दें, वी नॉट स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है, और दूसरे को ब्रेक कहां से कहां कर दें, पाई से लेके टू पाई वी नॉट स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू पाई, ठीक है ना। अब वी नॉट स्क्वायर डी ओमेगा टी जो है ना, इसको हम लिख लेते हैं जीरो से लेके पाई। अब आपको याद होगा जब जीरो से लेके पाई तक ओमेगा की वैल्यू थी, ओमेगा टी की, ये देखो जीरो से लेके पाई तक ओमेगा, तो वी नॉट क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी था, तो यहाँ पे आप लिख लो वी एम साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर क्योंकि वी नॉट है तो स्क्वायर डी ओमेगा टी, और प्लस पाई से टू पाई के बीच में वी नॉट की वैल्यू कितनी थी, पाई से जीरो थी, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई से टू पाई के बीच में जीरो का स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है। किसका माई कौन है, ठीक है। एनीवेज चलो अब ये देखो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू पाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जीरो से लेके पाई वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू पाई, अब देखो वी एम स्क्वायर है तो इसको कॉमन ले लो, बाहर ही निकाल लो, तो इधर मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, वी एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी हो गया साइन स्क्वायर टी को, साइन स्क्वायर थीटा को मैं फिर से लिख ले रहा हूँ, वन माइनस कॉस टू थीटा, मतलब कॉस टू थीटा बाय टू डी ओमेगा टी, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ फिर से, टू को बाहर ही ले लो तो हो जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन फोर पाई, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा जीरो से पाई वन डी ओमेगा टी, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस जीरो से लेके पाई कॉस टू ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई, अब ये आप करोगे वन का अगर करोगे तो ओमेगा टी ही आएगा, और ओमेगा टी की वैल्यू कहां से, जीरो से पाई के बीच में हो रही है, मतलब ये हो जाएगा पाई माइनस जीरो। रुक जाओ इसको मैं एक स्टेप में, नहीं कंफ्यूज हो गए तुम लोग, वैसे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी आएगा, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो से लेके, ये कौन है यार, एनोटेशन किसने, वेट किसने पूरा ये कर दिया, ये पूरा खराब कर दिया, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, वेट एनोटेशन कौन ये कर देता है यार, पूरा स्क्रीन खराब कर दिया तुम लोगों ने, रुक जाओ ठीक है, तो ये देखो अभी वेट, ठीक है, ए देखो ओमेगा टी आएगा, ठीक है ना, आप एक को इंटीग्रेट करोगे डी ओमेगा टी, तो ओमेगा टी आएगा जिसकी जिसका लिमिट होगा जीरो से लेके पाई तक, और माइनस ए देखो कॉस टू ओमेगा टी है तो ये हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू, और इसका लिमिट जीरो से लेके पाई तक, ठीक है। अब देखो ए आ जाएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई, ठीक है, ये आ जाएगा आपका पाई माइनस जीरो, और माइनस कितना हो जाएगा, देखो साइन साइन टू पाई, ये हो जाएगा साइन टू पाई माइनस साइन जीरो डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई, ठीक है। साइन टू पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो इसकी जो वैल्यू है साइन टू पाई की, साइन 360 कितना होता है, जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, ठीक है, तो ये सारा वैल्यू जीरो हो गया,
तो बचा क्या है यहाँ पे, केवल पाई बचा आपका, पाई बचा, क्या बचा पाई, तो आ जाएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है, किस चीज की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, वी नॉट आर एम एस की, किस चीज की वैल्यू निकाल रहे थे, वी नॉट आर एम एस की, वी नॉट आर एम एस का स्क्वायर की वैल्यू आ गया हमारा, वी नॉट आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। तो मैं पूछूं वी नॉट आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट में वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, तो कितना आ जाएगा वी एम बाई टू। तो यानी ये जो वेव फॉर्म आया है इसका वी नॉट आर एम एस कितना आ गया, Vm by 2. Vm by 2, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, याद रखना है, फिर डिराइव करना है जो भी जैसे भी समझ लो। ठीक है, अब दोनों चीज का, दोनों मतलब वेव फॉर्म का, साइन वेव का आरएमएस वैल्यू कितना होता है, Vm by root 2 होता है, हम लोगों ने डिराइव किया था, ठीक है, ये वाला Vm by root 2 डिराइव किया था। ठीक है, और ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जो होता है, इसका जो हमारा आरएमएस वैल्यू कितना आया है, देखो इसका आरएमएस वैल्यू आया है Vm by 2, Vm by 2 आया है, ठीक है, Vm by 2, ये 2 है। अब जो हमारा रेक्टिफायर होता है ना, जो भी हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था, ये हमारा सपोज करो ये हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर, इससे पहले हमारे पास यहाँ पे हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर था, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मर ऐसे लगाया हुआ था, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे हमारा लोड है आपका, यहाँ पे जो भी आप लोड लगाओगे उसको मैं ऐसे इंडिकेट कर दे रहा हूँ RL, ठीक है, ये हमारा है 220 वोल्ट AC जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, 220 वोल्ट की AC सप्लाई। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से कि जो भी आप यहाँ पे जो इनपुट है, आपका इनपुट कैसा है, आपका इनपुट है ऐसे, ठीक है ना, इस टाइप का इनपुट है, ठीक है, और आपको आउटपुट यहाँ पे कैसे मिल रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है ऐसे, फिर बीच में गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब ये एक्चुअल में तो है नहीं DC, ठीक है ना, DC तो एक्चुअल में है नहीं, तो अगर मेरे को इंडिकेट करना है कि कितना अच्छा, मतलब कितना ये मतलब प्योर DC है, ठीक है ना, तो उसके लिए ना एक टर्म यूज होता है रिपल फैक्टर। क्या यूज होता है, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिला है वो कितना प्योर है, ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो रिपल फैक्टर क्या करता है, इंडिकेट्स इंडिकेट्स द प्योरिटी प्योरिटी ऑफ DC आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर, ठीक है ना, तो ये भी जितना आपका ये जो जो डीसी मिला है, इसको बोलते हैं हम लोग पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये पल्सेटिंग डीसी जो है कितना प्योर है, एक्चुअल में आइडियल डीसी कैसे होना चाहिए था, आइडियल डीसी तो ऐसे होना चाहिए था, कॉन्स्टेंट होना चाहिए एकदम, ये आपका अगर सपोज करो टाइम एक्सेस है, वेट, ये अगर आपका टाइम एक्सेस है तो आइडियल डीसी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए थी, एकदम कांस्टेंट होनी चाहिए थी, तो वैसे तो है नहीं ये वाला, ठीक है ना, वो वैसे है नहीं, तो अभी कितना प्योर है मेरे को इंडिकेट करना हो तो उसके लिए रिपल फैक्टर होता है। तो ये कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसको स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, और होता क्या है, सिंपल वो होता है अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में होता है, इसको ध्यान से समझ लो कि कैसे हम वो करते हैं, ये होता है तुम्हारा अंडर रूट में आई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आई डी सी का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई डी सी का स्क्वायर ऐसे, ठीक है, ध्यान से सुन लो क्या है, रिपल फैक्टर को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई डी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को, ये तो करंट के टर्म में, इसको वोल्टेज के टर्म में भी आप लिख सकते हो, तो वोल्टेज के टर्म्स में ऐसे लिख लो आप वी आर एम एस का स्क्वायर माइनस वी डी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी डी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, इसमें जो हम लोग वी आर एम एस जो बात कर रहे हैं ना, ये वी आर एम एस आउटपुट वाला है आर एम एस, ध्यान से सुनो,
जो हम वी आर एम एस लिखे हैं ये आउटपुट वाला है, कौन सा वाला है, आउटपुट वाला है। ऐसे जो वीडीसी, वीडीसी हमेशा क्या होगा आउटपुट पे ही मिलेगा क्योंकि डीसी वोल्टेज आप रेक्टिफायर का आउटपुट, तो ये भी डीसी आउटपुट वाला है, तो सारे आउटपुट सेक्शन के हैं। तो अभी हम लोग ने जो कैलकुलेट किया था, अभी हम लोग क्या कैलकुलेट किया था, मैंने देखो सारे वैल्यू कैलकुलेट किए थे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इस चीज को हम लिख सकते हैं ना वी आर एम एस आर, वेट वी नॉट आर एम एस, ठीक है V not RM, ऐसे V RMS divided by V not DC का square minus 1, इतना लिख सकते हैं ना। देखो इसको फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना V not RMS divided by V DC, V not DC का square minus 1। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना कहाँ पे कैसे लिख दिया मैंने, इतना लिख सकते हैं कि नहीं ये बताओ। Yes. Yes, sir. इसको इतना लिख सकते हैं ना, फिर मैंने इसी चीज को ऐसे लिख दिया है। अब आपको याद होगा हम लोगों ने अभी जो निकाला है, अभी हम लोगों ने क्या निकालना है, फॉर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोगों ने क्या निकाला, जो वी नॉट आर एम एस था वो क्या है वी एम बाई टू आया है, ठीक है ना, वी एम बाई टू आया है। और वी डी सी जो आया था, वी डी सी वो कितना आया था, V not DC जिसको बोल सकते हो आप, वो आया था Vm upon pi। देखो यहां से ये तो अभी हम लोगों ने V not RMS Vm upon 2 निकाला है, ठीक है, और VDC की वैल्यू कितनी निकाली है, Vm upon pi। देखो यहां पे अभी हम लोगों ने निकाला था, कहां गया ये, वेट ये देखो VDC देखो दिख रहा है ना, Vm upon pi निकाला था। अब ये जो RMS इसको आपको ये जो फॉर्मूला है, कहां गया वेट, ये जो फॉर्मूला है रिपल फैक्टर का वो आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, आप मेमोराइज कर लो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मैं बता दूंगा, बट अभी के लिए आप मेमोराइज कर लो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इतना हमको है, अब इस चीज को ना प्लग कर देंगे इसमें, ये जो है ऊपर प्लग कर देंगे तो क्या आएगा, रिपल फैक्टर को हमेशा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा है वी नॉट आर एम एस, वी नॉट आर एम एस की वैल्यू क्या है वी एम बाई टू और डिवाइडेड बाई वी डी वी नॉट डी सी, तो ये हो जाएगा वी एम अपॉन पाई और इस पूरे का स्क्वायर फिर माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर बाई फोर इंटू पाई स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइड इसको अगर आप लिखना चाहो देख लो कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई अगर मैं 4 लिखना चाहूँ तो कितना आएगा बताओ, 2.5। वेट वीएम स्क्वायर बाई वेट ये हो जाएगा वीएम स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर वीएम, ठीक है। एनीवेज इसको आप कैलकुलेट करना, ये आपका आएगा, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, ये आएगा आपका अराउंड 1.21, ठीक है ना, जो आर की वैल्यू आएगी रिपल फैक्टर की, ठीक है, वो कितनी आएगी आपकी जो हाफ वेट, आपको स्क्रीन विजिबल है ना, हेलो, यस सर, हाँ, तो आर की जो वैल्यू आएगी आपकी रिपल फैक्टर ये होगी अराउंड 1.21, ठीक है। तो याद कर लेना आपका कि हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, आपसे कोई पूछे हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है, तो ये आता है आपका 1.21, कैसे आता है मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, ये कैसे आता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ये आप कर लेना इसको अंडर रूट पाई स्क्वायर करके, आवाज आ रही है प्रिया यादव, कौन है यार, ज्वाइन करके छोड़ दिया इसने, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो जो भी मतलब आपका आउटपुट मिला है वो कितना प्योर डीसी सिग्नल है रेक्टिफायर से, ठीक है।
तो आपका ये चीज इंडिकेट करता है। एक और टर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी, इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हमने इंडिकेट करते हैं ईटा से। वो क्या होता है आपका कि जो भी डीसी पावर है, डीसी पीडीसी मतलब डीसी पावर डिवाइडेड बाय एसी पावर मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। एफिशिएंसी को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, पीडीसी डिवाइडेड बाय पीएसी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो अब पीडीसी जो पावर है ना, पावर आपको पता होगा पावर जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज का, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग करंट का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर इनटू आर, इनटू आर, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो पीडीसी को मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ, पीडीसी को मैं लिख सकता हूँ कि वीडीसी, वीडीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी आर है, आर एल, आर का मतलब लोड जो हम लगाए हैं आर एल, ठीक है ना। पीडीसी को हम लोग क्या लिखते हैं, वीडीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरएल। और पीएसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो एसी पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आरएमएस वैल्यू होता है ना वीआरएमएस, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय आर कर देंगे, आरएल कर देंगे, ठीक है ना, जो भी, और इनटू 100, ठीक है। अब यहां से मेरे को अगर एफिशिएंसी निकालना होगा ईटा, इस यहां से ईटा निकालना होगा, ठीक है। तो देखो RL से RL कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, PDC डिवाइडेड बाय VRMS, इसको मैं लिख दूं यहां पे, ये हो जाएगा VDC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय VRMS का स्क्वायर इनटू 100, ठीक है। अब बताओ VDC का स्क्वायर, VDC क्या था आपका, VM अपॉन पाई था, इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय VRMS कितना था, RMS था आपका, V आउटपुट की बात हो रही है, तो ये VM upon 2 था, तो VM upon 2 का स्क्वायर, VM upon 2 और into 100, तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा VM स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर into, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय VM स्क्वायर और into 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो VM स्क्वायर से VM स्क्वायर कैंसिल हो गया, हो जाएगा 4 upon पाई स्क्वायर into 100, ठीक है। जो आपका पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, उसका स्क्वायर करोगे अराउंड 10 के आसपास आएगा, 10 के आसपास आएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 0.4 हो गया। तो 0.4 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 40 के आसपास आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका है, जो एफिशिएंसी होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो कितना होता है, 40.6%, ये भी याद करने वाला है, ठीक है। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो आपका जो एफिशिएंसी है, ये किसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है, हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है ना, ये किसकी एफिशिएंसी बात हो रही है, हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड क्या क्या है, हमने क्या क्या देखा कि वीडीसी कितना होता है, वीडीसी होता है वीएम अपॉन पाई, पाई, वीआरएमएस कितना था, वीएम अपॉन 2, रिपल फैक्टर कितना था, 1.21, 40.6%, ये आपको, ठीक है ना। कहीं पे भी अगर हाफ वेव रेक्टिफायर आता है एग्जाम में, अगर मान लो, तो ये चीज आपको एकदम फिक्स रटी होनी चाहिए कि ये वैल्यू है, ओके। एक टर्म आप देखो, एक टर्म और डिफाइन होता है, एक टर्म डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पीआईवी, ठीक है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब इसका मतलब क्या होता है, हम लोग का जो हाफ वेव रेक्टिफायर था, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे था, हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर था, एक ऐसे डायोड था और एक हमारा ऐसे लोड था, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट की एसी सप्लाई दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमको कौन सा वोल्टेज मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था हमको वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से कि जब आपका ये जो एक वेवफॉर्म है, वेट, यहाँ का जो वेवफॉर्म यहाँ का वो कैसे होता, आपका साइन वेव होगा ऐसे, कौन है इसको ना आउट करने दो,
ये ना ज्यादा दिमाग लगा लिए, प्रिया यादव वो करके फिर हट गई है, रुक जाओ रिमूव कर। ठीक है, अब ये जो है आपका ये हमने क्या ड्रॉ किया है, ये हमारा Vm sin omega t है, ठीक है ना, ये माइनस Vm यहाँ पे होगा, ये वाला एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये आपका Vm sin omega t है। अब एक चीज बताओ कि जैसे ही ये आपका ये पॉजिटिव है, ये जब पॉजिटिव सेक्शन है तो आपका डायोड किस में होगा, ये इस टाइम पे जो डायोड होगा ये कहाँ होगा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। जब भी आपका ये जो वोल्टेज Vm sin omega t पॉजिटिव होगा तो डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में। लेकिन जब भी जैसे ये निगेटिव हुआ, जैसे ही निगेटिव हुआ, ये जो डायोड है रिवर्स बायस में हो गया, तो रिवर्स बायस में अगर आपका सपोज करो डायोड हो गया तो रिवर्स बायस में डायोड कैसे काम करेगा, डायोड ओपन सर्किट जैसा काम करेगा, मतलब क्या हो गया, ओपन हो गया, और ये आपका लोड आर एल ऐसे है, मतलब ये जो वोल्टेज था Vm, ये जो वोल्टेज था Vm आ रहा था यहाँ पे Vm sin omega t, ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ अपीयर होगा बताओ, ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा डायोड के अक्रॉस। फिजिकली तो डायोड आपने हटाया नहीं, डायोड तो वही था, बस वो क्या हुआ कंडक्ट करना बंद हो गया, मतलब उसका स्विच ओपन हो गया, लेकिन इस सारा का सारा जो वोल्टेज है कौन है यार, प्रीति लोग, ठीक है, ये सारा का सारा वोल्टेज कहाँ अपीयर हो गया, जब भी डायोड रिवर्स बायस में गया उस सारा का सारा वोल्टेज क्या हो गया, पूरा का पूरा वोल्टेज डायोड के अक्रॉस चला गया। अब डायोड के अक्रॉस चला गया तो वो क्या कर सकता है, वो डायोड को डैमेज कर सकता है। इसीलिए जो भी मैन्युफैक्चरर होता है ना, डायोड बनाने वाली कंपनी होती है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या कहता है, वो एक आपको रेटिंग देता है, वो रेटिंग क्या, कौन सी रेटिंग होती है, उसको बोलते हैं हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज। ये क्या इंडिकेट करता है, पीक इनवर्स का मतलब, पीक का मतलब मैक्सिमम, इनवर्स का मतलब जो आप अपोजिट पोलैरिटी वाला, और वोल्टेज मतलब आपका डायोड कितना मैक्सिमम वोल्टेज झेल सकता है रिवर्स बायस के कंडीशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है ना। तो अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो ये जो डायोड जो आप यहाँ पे लगाओगे ना, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा, तो देखो आपको हाफ मतलब आपको रिवर्स बायस कंडीशन में मैक्सिमम वोल्टेज कितना झेलना पड़ेगा, Vm तक झेलना पड़ेगा, देखो यहाँ पे Vm तक झेलना पड़ेगा ना, पूरा का पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो Vm होता है। मतलब अगर आप सपोज करो कि अगर आप कोई डायोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ठीक है ना, ऐसे कई सारे डायोड आते हैं, एक आता है आपका डायोड 1N4007 के नाम से, ठीक है ना, कई सारे डायोड के नाम होते हैं, ठीक है ना, एक नाम होता है 1N4007। अब वो जो डायोड बनाने वाला है ना, वो आपको पहले से बता देता है, क्या बता देता है कि इसका जो पीआईवी रेटिंग है कितना वोल्ट है। सपोज करो उसने बता दिया कि इसका जो पीआईवी है वो है 15 वोल्ट, ठीक है ना, लेट उसने मान लो कि उसने बता दिया कोई भी डायोड मैन्युफैक्चरर कि इसका जो पीआईवी रेटिंग है कितनी है, 15 वोल्ट है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो डायोड रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज कितना झेल सकता है, 15 वोल्ट तक। मतलब क्या है कि जब भी आप इस डायोड को लगाओगे किसी भी सर्किट में, तो एनश्योर क्या करोगे कि जो Vm sin omega t था, Vm sin omega t, उसमें Vm की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 15 वोल्ट होगी। इससे ज्यादा पे अगर आपने लगा दिया, Vm वैल्यू 15 वोल्ट से ज्यादा का अगर लगा दिया, तो डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डायोड, ठीक है ना, जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो आप अप्लाई कर सकते हो डायोड को, उसको बोलते हैं हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, Vm होता है, ठीक है ना, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। PIB of half wave rectifier, एक किसकी बात हो रही है हम लोग की, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो PIB होती है वो होती है आपकी मैक्सिमम Vm, ठीक है ना। तो ये सारा चीज रिलेटेड आपके हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई मतलब चीज नहीं समझ में आई है तो बताओ, ठीक है। जो लोग देखो, जो लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कंफर्टेबल नहीं हो ना,
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप एक बार ट्राई जरूर करना, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, चलो, लेकिन एक बार ट्राई करना जो मैंने बताया ये आपके ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आगे कोई चीज बता रहा हूँ, ये सारा चीज आपके सिलेबस में है, इलेक्ट्रिकल में है, अगर आप इलेक्ट्रिकल ढंग से करे होते ना तो मुझे इतना बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप तुरंत निकाल लेते, ठीक है। तो अगर मान लो जो लोग नहीं निकाल पाते, एक तो है जो लोग निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं निकाल पाते हैं सारा चीज, उनको कम से कम ये सारे जो एक्सप्रेशन मैंने बताए हैं वो सारे याद होने चाहिए, जो फाइनल वैल्यू आया है ना कि VDC कितना होगा, IDC कितना होगा, ये आपको याद रहना चाहिए सबका, ठीक है। मैंने जो अभी लिखा है यहाँ पे उसको कैसे भी करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछेगा, ठीक है, कि रिपल फैक्टर कितना होता है, एफिशियंसी कितनी होती है, कोई भी पूछ देगा तुरंत, ठीक है। तो इसमें एक और चीज ऐड कर लो यहाँ पे, क्या ऐड कर लो कि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, तो कितना होता है आपका Vm, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड इतनी सारी चीजें आपको एकदम 100% कंफर्म होनी चाहिए, VDC Vm upon by, RMS Vm upon 2, रिपल फैक्टर 1.21, एफिशिएंसी 40.6%, पीक इनवर्स वोल्टेज Vm। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोगों ने एज्यूम करा है, इसमें हम लोगों ने एजम्पशन क्या लिया था कि जो डायोड है ना, वो डायोड क्या है, आइडियल डायोड है। हमने क्या एजम्पशन लिया था कि डायोड आइडियल डायोड है, ठीक है। क्यों हमने एजम्पशन लिया था, अगर मान लो एजम्पशन नहीं लेते तो क्या होता, जैसे आपको पता है कि मैं क्या बोला कि जैसे ही आप कोई डायोड के अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे पी जो भी पी साइड है उस उधर आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, ठीक है ना, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस में मैंने क्या बताया था कि डायोड कैसा बिहेव करता है, क्लोज्ड स्विच के जैसा, मतलब स्विच क्लोज्ड हो गया, क्लोज स्विच के जैसा, ठीक है ना, ये चीज मैंने बताया था। अब एक चीज आपको याद होगा कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होगा फॉरवर्ड बायस में कैसे होता है, फॉरवर्ड बायस में कुछ वोल्टेज के बाद डायोड ऑन होता है, ठीक है ना, ये जो वोल्टेज कुछ वोल्टेज के बाद डायोड ऑन होता था, इसको बोलते थे हम लोग जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता था उसके वजह से, ठीक है ना, जो बिल्ट इन पोटेंशियल बिल्ट इन वोल्टेज होता था उसके वजह से वोल्टेज होता था। या मैंने बताया था सिलिकॉन के लिए कितना वोल्टेज होता था, 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए कितना होता था, 0.3 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपको एक्चुअल में, आप अगर आइडियल नॉन आइडियल कंडीशन, मतलब जो प्रैक्टिकली अगर बात करो, प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली आपको डायोड को ऑन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि डायोड के अक्रॉस हमेशा, अगर मान लो सिलिकॉन डायोड है तो आप जो वोल्टेज दोगे ना उस 0.7 वोल्ट से ज्यादा दोगे तभी ऑन होगा, जो भी आप वोल्टेज दोगे वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा दोगे तभी डायोड क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग आइडियल कंडीशन में क्या मानते हैं कि जैसे ही आप थोड़ा सा ही वोल्टेज दिए तो डायोड ऑन हो गया, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होगा कि जब डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज, मतलब 0.7 वोल्ट से ज्यादा दोगे वोल्टेज तब ऑन होगा। इसी वोल्टेज को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कट इन वोल्टेज, क्या बोलते हैं हम लोग, कट इन वोल्टेज, ठीक है ना। तो कई सारे नाम है, बिल्ट इन पोटेंशियल, बिल्ट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, बहुत सारे नाम है, ठीक है। और ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है। तो आप अभी हमने जितनी भी एनालिसिस करी थी उसमें उसका क्या कंक्लूजन था, उसका यह था कि हमने डायोड को आइडियल डायोड मान के किया था, ठीक है ना, डायोड को क्या माना था, आइडियल डायोड मान के किया था। अगर हम आइडियल डायोड नहीं मानते ना तो इस डायोड का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लेने चाहते हैं।